नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पुरानी रंजिश को लेकर हजीरा क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्विफ्ट सवार प्रॉपर्टी डीलर और उसके दोस्त पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में प्रॉपर्टी डीलर और उसका दोस्त घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर्टी डीलर भाजी यूमो का जिला मीडिया प्रभारी भी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीबन 11:30 बजे प्रॉपर्टी डीलर दिनेश उर्फ नंदी तोमर और सोनू पांडा स्विफ्ट में सवार होकर हजीरा स्थित श्याम बाबा मंदिर के समीप से गुजर रहे थे। तभी स्कॉर्पियो MP07-7171 में सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में नंदी उर्फ दिनेश व सोनू पांडा घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल नंदी के भाई के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। नंदी भाजीमो का जिला मीडिया प्रभारी और बीजेपी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया का नज़दीकी बताया जा रहा है। प्लॉट पे गए थे, वो सुबह मकान बन रहा है हमारा, तो वहीं गए थे। वहीं रास्ते में गोली मार दी स्कॉर्पियो लगा के आगे गाड़ी की। दो लोग हैं, भैया हैं, भैया के दोस्त हैं। रंजिश ने उन्होंने पहले भी भैया के साथ मारपीट की थी, तो थाने में TI साहब ने सुलह करवा दी थी। मोहल्ले के ही हैं, मानसिंह सिकरवार से बात चल रहा था पुराना। दोनों घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रारंभिक पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला है कि वारदात पूर्व रंजिश के चलते हुई है और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मानसिंह सिकरवार और जयवीर भदौरिया हैं, जो नंदी के पड़ोसी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के नाम सामने आने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टियाँ रवाना कर दी हैं। इसमें नंदी तोमर और अमित पंडा, ये दो व्यक्ति हैं जिनको गोली मारी है। ज्ञात जो अभी हुए हैं जिन मारने वाले, उनके नाम जयवीर भदौरिया और मानसिंह सिकरवार मालूम हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना है। दोनों घायलों का इलाज हो रहा है सारा हॉस्पिटल में, और उसके बाद जो है FIR करके कार्रवाई की जाए। अभी ये जानकारी मिल रही है कि इनमें पुरानी रंजिश है, और मानसिंह सिकरवार और नंदी तोमर पड़ोसी भी हैं। प्लॉट पर जा रहा था ऐसा बताया, अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वो प्लॉट पे जा रहा था, उस समय घटना हुई। ये एक स्कॉर्पियो है, ब्लैक स्कॉर्पियो से ये लोग आए थे। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए गए हैं और पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी में भाजयुमो नेता को गोली मारने वारदात के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। भाजयुमो नेताओं से बात करने की भी कोशिश की गई है, पर अब तक ना तो नंदी से संबंधित कोई अधिकृत जानकारी ही मिल सकी है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजानची बाबा दरगाह के पास झाड़ियों में 2 दिन पुराना महिला का शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही कंपू थाना प्रभारी एवं CSP घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि महिला की बॉडी के पास एक बैग भी मिला है। जांच अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि महिला कहां की है और यहां कैसे आई। मृतका की उम्र लगभग 32 वर्ष है। पुलिस को शक है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अभी तक की जांच में पुलिस इस घटना को हत्या से जोड़कर देख रही है और आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वही मृतक महिला के बैग से मिले दस्तावेजों से वो मुस्लिम है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये कहाँ की रहने वाली है और हत्या का क्या कारण रहा। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। प्रातः कंपू थाने पर डीआई साहब को सूचना मिली, खजांची वाला बाबा की पहाड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ पे कोई महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पे पुलिस यहाँ आई है, तो महिला की डेड बॉडी मिली हुई है। FSL टीम को ही बुलवाया गया है, उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है। अब महिला की शनाख्त की होना भी शेष है। स्पॉट पे रेशमा नाम करके कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं कागज, उसकी तस्दीक की जाना है कि एक्चुअल ये कहाँ की निवासी है, परिवार में इसके कौन कौन है, शनाख्त की भी होना है। इसके बाद पंचनामा करके PM के लिए डेड बॉडी को भिजवाया जा रहा है। मृत्यु का क्या कारण है वो PM की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। इसमें उम्र का भी अभी कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखने पर प्रायमा फेसी भी ऐसा लग रहा है कि 2 दिन संभवतः पुरानी डेड बॉडी है, तो कन्फर्म इसका भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना है कि यंग है, कितना हो सकता है 25 से लेके 35 के बीच में उम्र संभवतः उम्र हो सकती है। C2 कार्यालय पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। यह दिवस 1886 में शिकागो में मजदूरों ने सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया था, उसमें सरकार ने गोली कांड करके सैकड़ों मजदूरों की हत्या कर दी थी। इसी कारण C2 कार्यकर्ताओं ने झंडा वंदन कर आंदोलन में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर सीटू कार्यकर्ता एवं मजदूर संघ के लोग मौजूद रहे। कहा है कि आज मजदूर दिवस है और मजदूरों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। पूंजीवादी सरकारें बर्बाद हो, पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान में भी 1 मई के दिन जो 1886 में अमेरिका में शिकागो के शहर में जो मजदूर शहीद हुए, उन मजदूरों की याद में जो 8 घंटे के सवाल को लेकर 1886 में मजदूरों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन में अमेरिकी साम्राज्यवादी सरकार ने सैकड़ों मजदूरों को गोलीकांड करके उनको शहीद कर दिया था। उन शहीदों की याद में पूरे हिंदुस्तान में और ग्वालियर में भी हम लोग हर वर्ष की भांति झंडा वंदन हम लोगों ने किया है। उन मजदूरों के शहीद को याद करते हुए जो आज की जो सरकारें हैं, उन सरकारों से हम ये कहना चाहते हैं कि मजदूर वर्ग की एकता अभी भी है और मजदूर वर्ग की एक इन सवालों को लेकर जो आज जो पूंजीवादी जो सरकारें हैं, जिन सरकारों ने ठेकेदारी प्रथा से लेकर बेरोजगार नौजवानों को जो रोजगार सरकारें नहीं दे रही हैं, तमाम शासकीय विभाग में खाली पद पड़े हुए हैं पर सरकार उन पदों को भरने के लिए तैयार नहीं है और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूरों के अधिकार हैं कि लेबर लॉ है, जो श्रम कानून है, उन श्रम कानूनों को किसी भी कारखाने में किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में पालन नहीं हो रहा। हम देखेंगे कि स्थायी वर्गीयत का कानून है, स्थायी वर्गीयत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 240 दिन के बाद जिसकी नियुक्ति अवैध हो या वैध हो, कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला मजदूर हो, पर सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। आज मजदूर दिवस है और काफी संख्या में महाराजवाड़ा पर मजदूर अपने पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं, लेकिन विडंबना है कि इन मजदूरों को यह नहीं मालूम है कि मजदूर दिवस क्या होता है और उनके क्या अधिकार हैं। एस न्यूज के संवाददाता ने मजदूरों से बात की तो उनका कहना है कि जब सुबह मजदूरी कर कमाते हैं और कमाई के उन रुपयों से शाम को अपने बच्चों का पेट भर पाते हैं, सरकार भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती। आप सोचो कि किस तरह मजदूर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए कि समाज में गरीबी से जूझ रहे इन मजदूरों की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं सोचती सरकार, मजदूर मर रहा है, लेबर की हाजिरी घटती जा रही है, मजदूर परेशान हो रहा है। हाँ, सुबह कमाएंगे जब चूल्हा जलेगा, नहीं कमाएंगे तो घर पे लौट के आना पड़ता है। कोई मजदूर दिवस नहीं, गर्मी पड़ रही, ठेकेदार से मांग रहे हैं 500, वो कह रहे 300 ले लो। कुछ नहीं है भाई साहब, काम धंधे है नहीं है, गरीब आदमी है, काम लगता है, लगता है नहीं लगता है, और परेशानी है, वो तो बिल बढ़ के आता है शाम को, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, कभी काम लगता है कभी नहीं लगता है, लौट के चले जाते हैं। ग्वालियर के बौड़ापुर इलाके में नैरोगेज ट्रेन के नजदीक खड़ी एक कार का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में रेलवे ट्रैक के एकदम नजदीक खड़ी कार को देखकर ट्रेन को ड्राइवर द्वारा करीब 10 मिनट तक रोका गया। कार के ड्राइवर की तलाश करने पर वह बौड़ापुर थाने से निकला और कार को रास्ते से हटाया। इसके बाद नैरोगेज ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन के लिए रवाना किया गया। दरअसल मामला मंगलवार का है। सवलगढ़ से आने वाली पैसेंजर नैरोगेज ट्रेन मोतीझील स्टेशन से जैसे ही निकली, भड़ापुर थाने के ठीक सामने एक सफ़ेद मारुति कार खड़ी दिखाई दी। क्योंकि ट्रेन शहर के बीच से गुजर रही थी, इसलिए उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी थी, इसलिए ट्रेन को रोकने में चालक को ज़्यादा परेशानी नहीं आई। RPF ने वायरल वीडियो की जाँच पड़ताल की बात कही है और नियमानुसार कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। बात यह है कि इस मामले में ट्रेन के ड्राइवर ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन RPF ने कहा है कि इस मामले में ट्रेन के ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। ये संज्ञान एक वीडियो आया है, उसमें पुलिस थाने के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं जो रेल हद में आ गई, इस कारण नैरो गेज पैसेंजर वहां खड़े होके आई है, ये दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में जांच कर रहे हैं और ड्राइवर जो ट्रेन ड्राइवर उनसे पूछेंगे और जांच करेंगे, जांच उपरांत जो होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नहीं नहीं हम जांच कर रहे हैं, पहले जांच कर लें इस मैटर पे भाई। ये वीडियो है कि कहाँ का है, हम उस लोकेशन को देख लें, जाके विजिट कर लें, आसपास पूछताछ कर लें, ट्रेन ड्राइवर से पूछ कर लें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर ये हद में आता है तो कार्रवाई होगी। नगर के सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराने आई एक महिला को हॉस्पिटल में दलाली कर रही एक महिला पड़ोस में संचालित डॉक्टर सलमा खान के क्लिनिक पर ले गई, जहां डॉक्टर ने ग्रामीण महिला का अबॉर्शन कर दिया। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को लगी तो तहसीलदार और चिकित्सक मौके पर पहुंचे। तब तक चिकित्सक पीड़ित महिला को क्लिनिक के बाहर छोड़कर भाग गई। दर्द से तड़पती महिला को प्रशासनिक अधिकारी सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज जारी है। सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सक पर कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिसके आधार पर महिला का अबॉर्शन कर सके। प्रशासन की लापरवाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? सारे सबूत मिलने के बावजूद भी क्लिनिक को सीज करने की जहमत किसी भी अधिकारी ने नहीं उठाई, जबकि पूरे मामले में जानकारी डबरा SDM जयंती सिंह को थी और उनके आदेश पर ही अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। आज नगर के चांदपुर गांव की रहने वाली महिला पुष्पा पेट दर्द की शिकायत के चलते सिविल अस्पताल में इलाज कराने पहुंची तो गांव से एक दलाल रूपी महिला मिल गई, जो उसे हॉस्पिटल के ठीक पीछे चलने वाले डॉक्टर सलमा खान के क्लिनिक पर ले गई, जहां चिकित्सक ने मामले को गंभीर बताते हुए और महिला को जान का खतरा होने की बात कहते हुए उसका 3 महीने के गर्भ का अबॉर्शन कर दिया। सबसे बड़ी बात है, अबॉर्शन करने के बाद चिकित्सक को जैसे ही पता लगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की जानकारी लग गई है तो वो क्लिनिक को बंद कर वहाँ से भाग गई। प्रशासनिक अधिकारी महिला को लेकर सिविल अस्पताल पहुँचे, जहाँ उसका इलाज जारी है। चिकित्सक के बारे में आपको बता दें कि क्लिनिक पर पूर्व में भी अबॉर्शन किए गए हैं, जिनकी जांच भी प्रशासन कर रहा है, पर उस पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई न होने के चलते ये क्लिनिक बदस्तूर चल रहा है। आज के मामले को देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं। यदि ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो किसी भी महिला की जान पर बन सकती है, जिसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। आप यहाँ ये क्लिनिक पे आई हैं, किस लिए आई हैं अपने? मैडम बोले कि आपको बोले सफाई कर देंगे, हम 2,500 रुपये खर्चा आएगा। तो हमने कहे इतने पैसे में नहीं, हमारे पास 1,000 रुपये कर दो इतने में। बोले नहीं हो पाए जितने, हम नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे किराए से बोले कि हमने बोले कि 1,500 कर दो, बोले नहीं 1,500 क्या 1,500 इतने हमें यहाँ में क्यों आई यहाँ पर। तो हमने कि कर दो, चलो 2,500 देंगे। कौन सी मैडम थी? खान मैडम। कितने महीने से बता रही थी? महीना के कुछ बार मालूम नहीं चला, क्योंकि हम पुलिस से तो होते हैं नाम भी नहीं चलाते। ये वहाँ शिकायत सही पाई गई और डॉक्टर साहब को दे दिए ला के पेशेंट ने भर्ती करा। कौन सी डॉक्टर ने थी? डॉक्टर खाना है कोई, उसका अनऑथराइज है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की है, आदेश करेंगे। क्लिनिक सील नहीं किया गया, अभी कार्रवाई करेंगे सर। वो यहाँ पहले वहाँ से भी जो ऑपरेशन किया उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो गई, क्योंकि पेशेंट की हालत भी खराब थी उसी समय। हमने यहाँ भर्ती करा दिया पेशेंट को लाकर। ठीक है। लोकसभा आम निर्वाचन में 12 मई को अधिक से अधिक मतदान के लिए मंगलवार सुबह शहर ने लगाई दौड़। जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रन फॉर डेमोक्रेसी दौड़ का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सुबह बाल भवन से हुआ। यह दौड़ बाल भवन से शुरू होकर फूलबाग मैदान तक हुई। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान चलो वोट करें जिले में चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने भी जिले के सभी मतदाताओं से 12 मई को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता के लिए संयुक्त रूप से विभिन्न आयोजन, प्रतियोगिताएं और गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इसी कड़ी में रन फॉर डेमोक्रेसी थीम पर आयोजित हो रही इस दौड़ में हर शहरवासी को अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। लोकसभा निर्वाचन में 2019 में 12 मई को ग्वालियर जिला वोट देगा,
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सेक्शंस के लोग वोट देने आए। तो आज जो हमारे युवा वर्ग था, हमारे जो स्कूली छात्र थे, सब ने बहुत ही खुद से आगे आके लोगों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 18 वर्ष के हैं और कई ऐसे बच्चे जो 18 से कम आयु के थे। तो हम उम्मीद करते हैं जो 18 से कम आयु वाला है वो अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहन को प्रेरित करेगा। और अगर सभी पूरी युवा शक्ति और सभी परिवारों के बच्चे अगर माँ बाप को इस बात में प्रेरणा देने पर लग जाएं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ग्वालियर का हर एक व्यक्ति बाहर निकल के वोट देने आएगा। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।